कर दे बेटा। इतनी बारिश, इतना तूफान, मैं कितना डर गई थी। चाची वो मैं रूहान, मैं समझ सकती हूँ कि सिमरन के इस तरह चले जाने पर तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी। संभालो अपने आप को, तुम्हें कुछ हो गया तो ओबेरॉय खानदान का क्या होगा। सिमरन ने जो कुछ भी किया ठीक नहीं किया। जब किसी को अपनी औकात से ज्यादा मिल जाए तो वो अपनी सोच के परेशान हो रही थी कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, इस घर की इज्जत संभाल ली। मैं बहुत खुश हूँ। तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो? जाओ जाकर कपड़े बदल लो, पूरी तरह भीग चुके हो तुम दोनों, नहीं तो बीमार हो जाओगे। बीमार तो मुझे आप लग रही हैं छोटी सासू जी। ये दोनों तो बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। देखा नहीं आपने कैसे देख रहे थे? आपको ऐसा लग रहा था जैसे आपकी हार का जश्न मना रहे हो। और आप तो बोल रही थी कि बड़ा फूल प्रूफ प्लान बनाया गया, मगर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पहली बरसात में कमजोर छत टपक जाती है ना, ऐसे ही आपके प्लान की भी हवा निकल गई। इससे पहले ये दोनों हमें इस घर से बाहर निकाल के फेंक दें, कुछ करिए। सबसे पहले तुम अपना मुंह बंद करो। और मैंने अभी हार नहीं मानी। मेरे पिटारे में बहुत सी चालें हैं, बस सोचना यह है कि कौन सी चाल चलूं जिससे सब भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मगर ये होगा कब? मैंने तुमसे 15 दिन का वादा किया था और अभी 15 दिन पूरे नहीं हुए। आज से इन दोनों की उल्टी गिनती शुरू। ओ माय माय।